गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इरशाद अहमद, परीक्षा प्लस की तरफ से आपका स्वागत है। अब देखिए, आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है वो है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल हम बता चुके हैं, जैसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के वो भी हम बता चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। अब देखिए, आज जो है मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, क्या हमें पढ़ना है। ठीक, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं मौर्योत्तर काल में कैसे पढ़ें हम, कैसे ना पढ़ें, कि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि हमेशा समझिए कि मौर्योत्तर काल से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में, और मेंस में भी आता है। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसका इतना महत्व है कि किताब में इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि पढ़ के आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस टाइप का क्वेश्चन हम याद करें, किस टाइप का पढ़ें कि क्वेश्चन हमें मिल जाए। ठीक, अब सबसे पहले देखिए मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य से पहले, मौर्य के बाद कौन सा वंश होता है। मौर्योत्तर काल मतलब कितने लोगों का वंश है, कितने वंश इसमें हैं। ठीक, अब देखिए सीक्वेंस, देखिए ये सीक्वेंस, पहला क्वेश्चन यहाँ से सीक्वेंस से बनता है। इसको ब्राह्मण काल भी कहते हैं, मौर्योत्तर काल में तो बहुत आते हैं, लेकिन पहला जो पार्ट बटा हुआ है ब्राह्मण काल, ब्राह्मण वंश के संस्थापक कौन थे अभी मौर्योत्तर का। फिर देखिए कि जो मौर्य काल था, मौर्य आपको बता चुके हैं मौर्य काल, अब मौर्य काल के समाप्त के बाद मौर्योत्तर काल शुरू होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि मौर्य काल के बाद कौन सा वंश आता है। सबसे पहले देखिए शुंग वंश आता है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग हैं। ठीक, अब देखिए किसको मार करके आते हैं। ये कहा जाता है कि मौर्य काल में ये सेनापति थे। किसके सेनापति थे, सबसे बड़ी बात, किसके सेनापति थे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। अब ये क्या करते हैं, बृहद्रथ को मार करके आते हैं, सत्ता स्थापित करते हैं। लेकिन और एक चीज जानिए कि बृहद्रथ को मार करके आते हैं, बृहद्रथ को मार करके आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन पूछता है इनसे, कई क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े सेनापति थे, लेकिन ये क्या राजा की उपाधि धारण किए थे, नहीं, इनको जो क्या था, सेनानी कहा जाता था। इनकी उपाधि जो थी वो सेनानी थी, यानी कि सेनापति ये थे, ये राजा बने ही नहीं। ये कहा जाता है, कहीं कहीं मिलता है कि अपने पुत्र के लिए मतलब इनको मारे थे गद्दी पर बिठाने के लिए पुत्र को, लेकिन ऐसा मतलब पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। लेकिन जो सत्य है कि एक क्या उपाधि धारण किए थे राजा की, नहीं, सेनानी की। इस वंश को सेनानी वंश भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सेनानी वंश भी कहा जाता है। पुष्यमित्र सिंह कौन थे, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र सिंह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहीं से समझिए कि वैदिक काल का पुनर्जागरण काल शुरू होता है। ठीक, ब्राह्मण काल का पुनर्जागरण काल शुरू होता है, वैदिक काल का पुनर्जागरण काल शुरू होता है। उसका साक्ष्य में आगे मिलेगा कैसे क्या था, कि मनुस्मृत में डायरेक्ट कहा गया है कि धार्मिक कर्मकांड, पशु बलि, पक्षी, मृग, मतलब उनकी बलि देनी जाने लगी। ठीक, और देखिए साक्ष्य क्या मिलता है कि देखिए भारत में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा पुष्यमित्र शुंग हैं। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ करने के वाले राजा कौन है, पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सबसे बड़ी बात जानिए कि इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ठीक, इसका साक्ष्य मिलता है हमें अयोध्या लेख से, यही अयोध्या लेख में हमें ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग दो अश्वमेध करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब आइए यहाँ पे अश्वमेध हो गया, अब देखिए यहीं पे जान लीजिए और क्या करते हैं। अब देखिए भारत में सबसे पहले बैक्टीरियाई ग्रीक यूनान के आक्रमण होते हैं, किसके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में, पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में। ठीक, अब देखिए जो क्वेश्चन बनता है इस पे थोड़ा सा आप जान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, ये तो सबसे पहले सिक्वेंस दे देगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सिक्वेंस दे देगा, आप इसको अरेंज करिए, सबसे पहले शुंग वंश, कर्व वंश, सातवाहन, यानी कि शुंग के अंतिम राजा को मार करके वासुदेव, देवभूति, शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति के वासुदेव मारे थे, तो कर्व वंश की स्थापना की थी, नहीं, दूसरा ब्राह्मण वंश। फिर इनके अंतिम शासक को मार करके आंध्र सातवाहन आए थे, तो समझिए कि ये सिमुख थे। ठीक, तो इसलिए इस काल को ब्राह्मण काल ही कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का उत्थान का काल था। ठीक,
अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए दे दे आपको हर्यक वंश, शुंग वंश, पहला हो गया हर्यक, दूसरा हो गया शुंग, तीसरा हो गया मौर्य और चौथा हो गया आपका सातवाहन। ठीक, सातवाहन। अब देखिए सातवाहन, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले पे कौन आता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आते हैं हर्यक वंश। तो देखिए मान लीजिए आंसर आपका है सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के आगे एक लिखिए। ठीक, अब दूसरे पे कौन आते हैं, हर्यक वंश के बाद समझिए कि हर्यक जो थे ये मगध के उत्कर्ष काल में बताए थे, मगध का जब उत्कर्ष होता है तब बताए थे। तो हर्यक के बाद आते हैं, देखिए इसमें और बीच वाला नहीं दिया है, हर्यक के बाद दूसरे पे आते हैं मौर्य, यहाँ पे तीन लिखिए मौर्य। अब देखिए मौर्य के बाद कौन आते हैं, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल शुरू हो जाता है तो शुंग आते हैं तो दो लिखिए, फिर उसके बाद सातवाहन आते हैं तो यहाँ चार लिखिए। ठीक, इस सिक्वेंस पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है वो सिक्वेंस से बनता है। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो सीक्वेंस से बनता है। ठीक, अब आइए यहां पे, अभी इसको सबको हम बताएंगे। अब देखिए कड़ो वंश, कड़ो वंश के संस्थापक वासुदेव थे, दूसरे नंबर पे थे ये पहला वंश, ये शुंग वंश पहला वंश, कड़ो दूसरा वंश, आंध्र सातवाहन तीसरा वंश। अब देखिए आप सबसे पहले इसको याद करने की कोशिश करिएगा, संस्थापक और अंतिम शासक कौन थे और बीच में एकाक राजा ऐसे आए हैं जो समझिए कि इतना बड़ा काम किए हैं, जो इतना बड़ा काम किए हैं जिसको आप समझ नहीं सकते। ठीक, ऐसा लगता ही नहीं कि छोटे छोटे राजा कभी कोई इतना अच्छा काम कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इनका स्रोत हमें कहाँ मिलता है, क्योंकि इतिहास बिना स्रोत का नहीं चलता, इनका स्रोत कहाँ से मिलता है, स्रोत कहाँ से मिलता है, सबसे पहले देखिए साहित्यिक स्रोत, साहित्य में हमें वर्णन मिलता है। अब साहित्य कौन कौन सी है, ठीक, साहित्य कौन कौन सी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक, दूसरा पतंजलि के महाभाष्य, ध्यान दीजिएगा। अब जो पतंजलि थे वो समझिए पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक, पतंजलि का महाभाष्य जो था, पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे, ये जो अश्वमेध किए थे तो इसके ये पुरोहित थे। अगर पूछता है किस कार्य किस, ये इसीलिए इसको ब्राह्मण काल कहा जाता है, ब्राह्मण काल में पाणिनि भी आते हैं, मनुस्मृत भी लिखा जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि इन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पतंजलि किसके कार्यकाल में थे तो पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में थे। ठीक, अब आइए आप आगे आइए, श्रुत ये हो गया और फिर लेख है। अब लेख कौन सा मिला है, अयोध्या लेख आपको बता चुके हैं, अयोध्या लेख है, फिर उसके बाद गौतमी पुत्र साथ करड़ी का लेख है, नागनिका लेख है, सांची का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है। ठीक, ये सब लेख मिलते हैं। तो इनकी कहानी देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो थे तो ये पब्लिक में जाके जनता से पूछते हैं कि अशोक क्यों इतना महान हुआ, ध्यान दीजिएगा अशोक क्यों इतना महान हुआ, तो ये क्या पब्लिक क्या बताते हैं कि वो 84,000 स्तूप बनवा रहे थे। ठीक, इसलिए वो इतना फेमस थे। तो ये क्या करते हैं, ये तो 84,000 स्तूप बनवा नहीं सकते, 84,000 स्तूप तो बनवा नहीं सकते, ये क्या किए उनको तोड़ना शुरू किए, इसीलिए इनको बौद्ध विरोधी कहा जाता है। लेकिन विरोध करने के बाद देखे तो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था, तो अंतिम में क्या करते हैं कि सांची के स्तूप का उसमें पुनर्निर्माण करवाते हैं, कुछ बौद्ध गुफाएं बनवाते हैं, कुछ स्तूप बनवाते हैं, लास्ट में देखिए बौद्ध की तरफ झुकते हैं। ठीक, अब देखिए कड़ वासुदेव हो गए। ठीक, अब यही साक्ष्य है, जैसे और एक साक्ष्य में है, अब जानिए यहां पे, जब ये आप जानिए आप शुंग वंश, सबसे अब देख लीजिए शुंग वंश, ये शुंग वंश। अब शुंग वंश के संस्थापक जो थे आपको बता चुके हैं पुष्यमित्र शुंग, ध्यान दीजिएगा पुष्यमित्र शुंग या सेनानी वंश के नाम से जाना जाता है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करते हैं। कब करते हैं, 184 ईसा पूर्व में करते हैं, 184 बीसी में बृहद्रथ की हत्या करते हैं। देखिए सेनापति था, ठीक, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन हमें जानकारी किससे मिलती है कि अयोध्या लेख से मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रारंभिक जीवन की पुष्यमित्र शुंग
ने दो अश्वमेघ यज्ञ किया था जो प्राचीन भारत में राजसत्ता का प्रतीक माना जाता था। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दे भारत में सबसे पहले अश्वमेघ किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। ठीक, किस वंश के थे? ब्राह्मण वंश के, शुंग काल के थे और इनकी उपाधि सेनानी थी। ध्यान दीजिएगा, मौर्यों के कमजोर शासन में मगध का प्रशासन एवं शिथिलता पड़ गई थी। सही, जायज सी बात है, अगर शासन कमजोर होगा तो शासन का नाश होना जरूरी है। ठीक, क्योंकि वो जनता के लिए कुछ कर पाएगा ना राज्य के लिए कर पाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा कर न सिर्फ यमन, ध्यान दीजिएगा, न सिर्फ यमनों को पराजित किया। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहले यमन आक्रमण किसके कार्यकाल में होते हैं, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यमन आक्रमण, यमन या हिंद, हिंद बैक्ट्रियाई ग्रीक, किसके कार्यकाल में होता है क्वेश्चन आया है। सबसे पहले यमन किसके कार्यकाल में आते हैं? पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में आते हैं। अब देखिए कौन आक्रमणकारी है, ध्यान दीजिएगा, आक्रमणकारी कौन है? ठीक, आक्रमणकारी कौन है? आक्रमण से देश की रक्षा की बल्कि वैदिक धर्म के आदर्शों को अशोक के शासनकाल की उपेक्षित हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहने का मतलब यह है कि जो वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म, पुराण जैसे ईश्वरी सत्ता, धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ जो समाप्त हो चुका था, उसको ये पुनः से जीवित किए। ठीक, इसलिए पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक सभ्य, वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, यानी कि फिर से पुनर्जागरण हो गए थे। ठीक, अब देखिए, अब बताए थे यवन आक्रमण, यवन आक्रमण सबसे पहले किसके कार्य, पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के कार्यकाल में होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है कि किसके कार्यकाल में होते हैं? शुंग के कार्यकाल में होते हैं। कौन करता है? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, करते तो दो लोग हैं, जो सबसे बड़ा फेमस है, ठीक, वो मिनांडर है। मिनांडर, देखिए ये माना जाता है इनके पुत्र के कार्यकाल में किए थे, लेकिन नहीं, पुत्र के नहीं कार्यकाल में किए थे, यहीं पे माना जाता है। अब देखिए यहां पे मिनांडर, इसका वर्णन हमें किस में मिलता है, कि इसमें हमें मिलता है मिलिंद पन्हों में। मिलिंद पन्हों एक रचना है बौद्ध ग्रंथ की, उसमें हमें मिलता है कि मिनांडर, उसमें मिनांडर की कहानी दिया गया है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यों फैक्ट, यहाँ पे मिनांडर बताए हैं कि प्रथम विदेशी शासक या प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, कौन थे? मिनांडर थे। ध्यान दीजिएगा, मिनांडर थे। मिनांडर ऐसे व्यक्ति थे जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले पहले विदेशी थे। ठीक, हो गया। अब आइए आप इसको देखिए, बौद्ध रचनाओं से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध का उत्पीड़न करता था। बताया था ना, 84,000 स्तूप तोड़वाया था। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विहारों को नष्ट किया और भिक्षुओं की हत्या की, ये कहे थे। सोच लीजिए, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, इसमें भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलते हैं ऐसे शब्द कि हैरान करने वाली बात है। यहाँ बताइए, राजा जब डायरेक्ट कहता है कि हमें अगर कोई भी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनका सर कोई लाएगा तो हम उसको 1,000 दिनार देंगे, 1,000 रुपया देंगे, जो उस समय मुद्रा चलती थी, 1,000 दिनार देंगे। ठीक, अब समझिए, दिनार क्या थी, मान लीजिए मुद्रा थी, आज के समय की मुद्रा थी। ठीक, अब इतना बड़ा काम करते, यानी कि इससे पता चलता है कि ये बौद्ध के बहुत बड़े विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि ये वैदिक धर्म का पालन करते थे। ठीक, शुंग वंशी राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, बता दिए। तथापि इसके शासनकाल में भरहुत स्तूप का निर्माण हुआ। देखिए, आपसे बताया था ना, जब 84,000 स्तूप तोड़ चुके तो समझिए कि जनता में आक्रोश हो गया, ये सोचे कि अब हम क्या करें लाट समय में। अब समझिए कि लाट समय में सब लोग यही सोचते हैं कि हम तो थोड़ा सा तो अच्छा काम कर लें। तो ये समझिए कि अच्छा क्योंकि हम लोगों के लिए किए, कि हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। भरहुत स्तूप, ध्यान दीजिएगा, भरहुत और सांची के स्तूप का निर्माण करवाते हैं वेदिकाएं, ठीक है, इसके चारों तरफ रेलिंग बनवाते हैं। समझिए कि अशोक ने तो निर्माण करा चुके थे, रेलिंग करवाते हैं। अब देखिए, लगभग 36 वर्ष तक शासन किया, कोई मतलब का नहीं है, कोई भी मतलब का नहीं, कितने वर्ष तक शासन किए कोई मतलब का नहीं है। पुष्यमित्र शुंग राज्य पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र राजा बनता है। ध्यान दीजिएगा, अग्निमित्र राजा बनता है, जिसका अग्निमित्र को बस हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इनके बेटा थे, इसलिए नहीं जानते कि इनके बेटे थे। अब किस लिए जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए जानते हैं पुष्यमित्र अग्निमित्र को, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, ध्यान दीजिएगा, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, तो उसमें क्या है कि अग्निमित्र के बारे में साक्ष्य मिलता है। ठीक, अग्निमित्र को यह बताया गया है कि मालविका और
अग्निमित्र का वर्णन है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मालविका और अग्निमित्र का किस किसकी रचना में है, तो कालिदास की रचना में है। ये पूछता है कि मालविका अग्निमित्र में किस राज्य किस वंश के राजा का वर्णन है, तो शुंग वंश के राजा के अग्निमित्र का वर्णन है। ठीक, अब आइए यहां पे, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक, पिता के शासन काल में, वही अग्निमित्र के बारे में बात हो रही है, पिता के शासन काल में उपराजा थे विदिशा के, ध्यान दीजिए विदिशा के राजा थे। पुराणों के अनुसार शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। ठीक, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। लेकिन इससे पहले हम एक राजा के बारे में जान लेते हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, हम एक राजा के बारे में जान लेते हैं यहां पे कि वो कौन राजा थे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, देवभूति से पहले, देवभूति तो अंतिम राज अंतिम शासक है, किसके किसके अंतिम है, ये शुंग वंश के अंतिम शासक है देवभूति। ठीक, जिसकी हत्या वासुदेव ने के वासुदेव किए थे। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे जो बताना चाह रहे हैं, समझिए कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ध्यान दीजिएगा, इनसे पहले जो होते हैं वो होते हैं एक होते हैं भागभद्र। ध्यान दीजिएगा भागभद्र का क्या मतलब यहां पे है। अब देखिए, जो इनके शासनकाल में भागभद्र के शासनकाल में ये माना जाता है इनकी राजधानी कहां थी, ध्यान दीजिएगा, इनकी कैपिटल कहां थी, राजधानी कहां थी, इनकी राजधानी थी विदिशा, विदिशा या वेशनगर। ठीक ना, इनकी राजधानी कहां थी, विदिशा या वेशनगर। ठीक, अब देखिए, ये बताने का तात्पर्य हमको ये है कि भागभद्र के शासनकाल में एक विदिशा का राज तक्षशिला का राजा था। ठीक, वो अपने राजदूत को अपने पुत्र को राजदूत के रूप में पुत्र को हेलियोडोरस को भारत भेजता है। कहां से, तक्षशिला से। ध्यान दीजिएगा, इस समय कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हेलियोडोरस किसके कार्यकाल में आया था, भागभद्र के कार्यकाल में आया था। कौन भेजा था, एंटियोकेडिस नाम का कोई व्यक्ति था वो भेजा था, मगर वो उतना महत्व का नहीं है। जो महत्व का है हेलियोडोरस है, किसके कारण, भागभद्र के। ये क्या काम किया था, हमारे बताने का मतलब है इसको, बस ये नाम के लिए हम नहीं बता रहे हैं, ये जो काम किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जो काम किया था, ये क्या किया था, विदिशा में, मतलब जो इनकी राजधानी थी विदिशा में, वेशनगर में, ठीक, एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा, ये गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है। कौन, अब गरुड़ स्तंभ क्या है, गरुड़ समझिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि गरुड़ किस धर्म से संबंधित, यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित है। अब देखिए, ये माना जाता है कि प्रथम विदेशी व्यक्ति वो कौन था जिसने भारत में हिंदू धर्म यानी कि वैष्णव धर्म को स्वीकार करता है, हेलियोडोरस था। ठीक, कहां से आया था, तक्षशिला से आया था। कहां पे गरुड़ ध्वज स्थापित करता है, वेशनगर या विदिशा में। ठीक, इस जो गरुड़ स्तंभ लेख है इसको वेशनगर या विदिशा का लेख भी कहा जाता है, लेकिन गरुड़ इसलिए बता दिए कि कई बार पूछा हुआ है गरुड़ मतलब क्या, कि भागवत धर्म से संबंधित था। ठीक, अब आइए आप, अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। आपसे बताए थे ना, मिनांडर को पराजित किया था, जिसका वर्णन समझिए कि मिलिंद पन्हों में मिलता है, यानी कि मिलिंद के प्रश्न, उसका जो अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। अब मिनांडर पहला ऐसा व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट के साथ अब चलिए, फैक्ट क्योंकि समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, अंतिम कौन था। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, शुंगों की राजधानी कहां थी, विदिशा थी। बताए थे ना आपसे, विदिशा किस लिए फेमस है, सिर्फ राजधानी के लिए नहीं फेमस है, जो वेशनगर विदिशा का लेख है, गरुड़ स्तंभ लेख है, उसके लिए ये फेमस है। ठीक, विदिशा, विदिशा में सबसे पहले क्या है कि भागवत धर्म स्थापित कौन किया था, यूनानी शासक हेलियोडोरस ने किया था। अब पहला विदेशी व्यक्ति जो बौद्ध धर्म स्वीकार करता है मिनांडर है। पहला व्यक्ति जो भारत में वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म या भागवत धर्म स्वीकार करता है वो कौन है, हेलियोडोरस है। अब देखते जाइए आप, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, अब ये देखिए, अब आइए आप,
अब इसके अंतिम शासक आपको किसके बता किसको बताए थे, देवभूति को बताए थे। अभी देखिएगा, अब आ गया दूसरा वंश, सीक्वेंस आप देखते जाइएगा। अब आ गया दूसरा वंश, अब कर्ण के बारे में जानिए, कर्ण के दूसरा वंश, दूसरा राजवंश, ठीक। पहला हो गया स्मौरोत्तर काल का पहला शुंग, दूसरा कर्ण, यानी कि उनके राजा को जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति, विलासी थे या जो भी थे, उनको समझिए कि उनको मारने के बाद उनका सेनापति जो था राजा बना। अब उस राजा का इसके एक डायरेक्ट इससे एक क्वेश्चन बनता है, इनसे बीच से कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है, इसके संस्थापक कौन थे और इसके अंतिम शासक कौन थे। ध्यान दीजिएगा, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। विलासी था कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या विलासी था। अब क्या पता विलासी था क्या था, देखिए वही चीज याद करिए, वही चीज अपने दिमाग में बिठाइए, जो समझिए क्वेश्चन आया हुआ हो, ठीक। ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करिएगा, उसमें देखिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा है। अब देखिएगा, हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि हाँ हम पूरा कर देंगे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि आप सॉल्व करिएगा, फिर आप सोचिएगा कि ये कैसा है, ये आज का पढ़ाया हुआ कैसा है, क्या सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को मिल रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन आया है पीसीएस में हुआ, अपर में हुआ, लोअर में हुआ, लोअर मेंस में हुआ, पीसीएस मेंस में हुआ, जो मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या इससे मिल रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक। देखिए, अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने ही अमात्य मतलब मंत्री वासुदेव की द्वारा हत्या कर दी गई। देखिए, वासुदेव द्वारा हत्या की गई। अब देखिए दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, तो जब शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था तो इसका संस्थापक कौन था, वसुदेव था, इसका संस्थापक वसुदेव था, ठीक। बस आप ये दो चीज याद रखिए इसमें, ठीक। अब देखिए, जिसकी जानकारी हर चरित में मिलती है, अब ध्यान दीजिएगा, जिसकी जानकारी हर चरित में मिलती है, ठीक। हर चरित कौन थे, हर चरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी मैचिंग में आता है, लोग हर्ष लगा देते हैं, ठीक। ये हर चरित के लेखक बाणभट्ट है, जिस वासुदेव ने जिसकी नवीन वंश की स्थापना की वह कड़ वंश है, ठीक। कड़ वंश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आ रहे हैं सब। इसमें केवल चार ही शासक हुए हैं, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, कोई मतलब नहीं। ये देखिए मतलब कहा है, ठीक, ये मतलब कहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए संस्थापक देखिए वसुदेव हो गए, तो इसका अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक सुशर्मा यानी कि सुधर्मा है, ठीक। अंतिम शासक ये है सुशर्मा, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आइए आगे, इन्होंने 300 ईसा पूर्व कड़ वंश के बाद मगध पर शासन करने वाले दो वंशों की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिएगा, दो राज्यों को बताया आपसे ना, पहले और लास्ट की जानकारी तो मिलती है, लेकिन बीच में कौन आता है कोई मतलब का नहीं है, ठीक। अब देखिए, कड़ वंश के बाद मगध, अब देखिए यहाँ पे पुराणों के अनुसार आंध्रभृति शासक का उल्लेख मिलता है, जिसका आंध्रभृति, ध्यान दीजिएगा, पुराणों के अनुसार आंध्रभृति ये पूछता है, आंध्रभृति किस राजवंश को कहा जाता है, तो सातवाहन को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा सातवाहन, ठीक। अब देखिए, इनको जो कौन मारते हैं, ठीक, सुशर्मा कौन मारते हैं, ठीक, सीमुक मारते हैं, ध्यान दीजिएगा सुशर्मा को कौन मारते हैं, सीमुक मारते हैं। सीमुक कौन से थे, देखिए तीसरा वंश है सातवाहन वंश, ठीक, ध्यान दीजिएगा शुंग वंश, कड़ो वंश, फिर तीसरा सातवाहन वंश। अब देखिए, सबसे ज्यादा हमको जो पढ़ना है वो समझिए कि शुंग वंश के बारे में, अब कड़ो के बारे में बस मात्र दो चीज आप याद रखिए, सीमुक, सुधर्मा और देवभूति, ठीक, वासुदेव, ये याद करिए। और बाकी समझिए कि इसमें कुछ भी वैसा नहीं है, ना कोई युद्ध लड़ा गया है, ना कुछ वैसी किताबें रची गई हैं, बस कुछ भी नहीं है, बस एक हरचरित है, इसके बारे में जान लीजिए, हरचरित समझिए कि हरचरित में ही इसका वर्णन मिलता है, ठीक। अब आइए, आप चेदी या सातवाहन वंश, जो तीसरा वंश है वो सातवाहन है, ये चेदी अभी हटाइए, ये जो तीसरा वंश है सातवाहन वंश है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य पर्वत के दक्षिण में शक्तियों का उदय हुआ, कलिंग के चेदी, बस ये खाली एक नाम से जाने जाते हैं, ये कौन है चेदी वंश के, कलिंग नरेश खारवेल। अब ध्यान दीजिएगा, कलिंग नरेश खारवेल, जो कलिंग नरेश खारवेल हैं
इनका एक जो लेख है प्राकृतिक भाषा में, वो हाथी गुम्फा लेख है, जिससे ये पता चलता है कि ये जैन धर्म के संरक्षक थे। सबसे बड़े संरक्षक अगर पूछे जैन धर्म के कौन है तो चेदी के खारवेल हैं। ठीक, अब थोड़ा जान लीजिए कलिंग कौन है। कल बताए थे अशोक के कार्यकाल में कलिंग युद्ध हुआ था, इन्होंने दो भागों में बांट दिया, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग। ठीक, तो इसका कलिंग का चेदी, यहाँ मेघवाहन, ये भी ध्यान दीजिएगा किस वंश से संबंधित है, महामेघवाहन वंश से संबंधित है। ठीक ना, महामेघवाहन वंश से संबंधित है। ठीक, अब देखिए इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो खारवेल था। एक ही आते ही हैं, खारवेल ही हैं। ध्यान दीजिएगा इनका जो क्वेश्चन पूछता है कि ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और समझिए कि इनका लेख क्या है, हाथी गुम्फा का लेख है, वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ठीक, अब आइए, ये जैन धर्म के महान संरक्षक हैं। अब से बताए थे जैन धर्म के महान संरक्षक हैं। अब देखिए उदयगिरी संरक्षक थे, जैनियों के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों का निर्माण करवाया, जिसे हाथी गुम्फा लेख, गुम्फा रानी, एक वही हाथी गुम्फा लेख रानी व अनंत गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, उदयगिरी पहाड़ी जो इनका सबसे फेमस है, बस वो याद करिए कि हाथी गुम्फा लेख किसका है, कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक, खारवेल के बारे में विस्तार, हाथी गुम्फा लेख में जो कलिंग के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान दीजिए कि जैसे हम अशोक के बारे में उनका शिलालेख 1, 2, 3 पूछते पढ़ते हैं, तो इनके भी बारे में क्या कहा जाता है कि ये भी समझिए कि हर साल राजाभिषेक के बाद, समझिए कि हर साल कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे पहले साल राजधानी में कुछ उत्सव मनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं। ठीक ना, ऐसे पूछता है कि क्या, मगर ये है कि आपका वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा जो बहुत टफ क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक, यहाँ से बस वही क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं। ठीक, अब आइए अब सातवाहन वंश। अब ध्यान दीजिएगा ये तीसरा वंश है, आपसे कहे थे ना वो थोड़ा सा वो है, ये तीसरा वंश है, मौर्योत्तर काल का तीसरा वंश है, ब्राह्मण काल का तीसरा वंश है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी भारत में था, महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक। पुराणों में हमें देखिए, ध्यान दीजिएगा हमें कहाँ कहाँ क्या जानकारी मिलती है। ठीक ना, इसके स्रोत क्या है, समझिए कि ये लोग क्या थे, अपने नाम के आगे मातृ का नाम जोड़ते थे, मतलब माता का नाम जोड़ते थे। इससे पता चलता है कि क्या समाज मातृसत्तात्मक था, नहीं, समाज मातृसत्तात्मक बिल्कुल नहीं था। ठीक है, समाज तो पितृसत्तात्मक ही था। फिर देखिए इनकी भाषाएं, जो लेख हैं, नागनिका का लेख है, फिर उसके बाद नासिक का लेख है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का लेख है, ठीक, और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का लेख है। इसमें क्या है कि वो लेख हैं किसके किसके हैं, सिक्वेंस में आप जानिए उसको। ठीक, अब देखिए इनकी भाषा क्या थी, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो पूछता है, इनकी भाषा क्या थी, किसकी, सातवाहन की, अब जान लीजिए पहले फिर हम ये बता रहे हैं। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी, ध्यान दीजिएगा भाषा क्या थी। और फिर दूसरे बात, जो सिक्के जारी किए थे वो, ठीक, सिक्के हो गए। अब तीसरा देखिए, सिक्के हो गए, और फिर कोई बहुत ऐसी चीज क्या किए थे जो पहली बार किए थे। ठीक, और फिर उसके बाद भूमि दान। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी, दूसरी कोई भाषा नहीं थी, क्योंकि इनके कार्यकाल में सातवाहन में समझिए कि कुछ ऐसे राजा हैं जो समझिए कि कवि भी थे, जैसे हाल हैं, गाथा सप्तशी लिखे हैं संस्कृत प्राकृत भाषा में। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि 1-2 रचनाएं संस्कृत में है, लेकिन 1-2 रचना के आधार पर हम इनकी भाषा में संस्कृत नहीं ला सकते। इनकी भाषा क्या थी, बस आप डायरेक्ट एक लाइन में याद रखिए, इनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी। ठीक, जो अशोक की भाषा थी। ठीक, अब इनके सिक्के, ये सिक्के कैसे जारी किए थे, क्या गोल्ड के जारी किए थे, नहीं, अभी आरओ में क्वेश्चन पूछा था, आरओ 16 में क्वेश्चन पूछा था, इनके सिक्के किसके थे। ठीक, इनके एक ऐसा राज्य, ऐसा वंश था, ऐसा था कि जिनके सिक्के, समझिए, शीशे के जारी हुए थे, शीशे के और प्रोटीन के कोई धातु होती थी, सिक्के जारी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है शीशे के सिक्के जारी हुए हैं। ठीक, अब दूसरा आइए आप कि और क्या करते, भूमिदान क्यों हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय इतिहास में
सबसे पहले भूमिदान का परंपरा जो शुरू किया वो सातवाहन ही शुरू किए। कौन शुरू किए? सातवाहन ही शुरू किए। भूमिदान देने की परंपरा तो सातवाहन शुरू किए, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिदान कौन देते हैं? वो गुप्त काल में देना शुरू करते हैं, गुप्त काल में देते हैं। ठीक, ये माना जाए गुप्त काल में। अब ये कहा जाता है कि ये समुद्र पे राज करते थे। पुराणों में इन्हें अंधवृत्ति कहा गया है। अंधवृत्ति मतलब छोटे कुल के राजा कहा गया है। ठीक ना, ये दक्षिण के राजा कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के तट पे रहते थे। ठीक, और देखिए क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा राजा है जो सिक्के पे पतवार, मतलब क्या है कि नावयुक्त सिक्का, जहाजयुक्त सिक्का जारी करता है। तो वशिष्ठपुत्र पुलवामी है, इन्हीं के कारण वो सातवाहन वंश का है। वो राजा का नाम नहीं पूछेगा, वो सातवाहन वंश का है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे सातवाहन वंश का क्षेत्र जो था महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में था। ठीक, दक्षिण भारत में था, लेकिन ज्यादातर पश्चिमी तट पे था। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तट पे था। अब देखिए, अब क्या ये क्या करते हैं, अब इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये देखने, ये ध्यान देने योग्य बात है। अंधवृत्ति किसने कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। देखिए, पुराणों में कहा गया है। देखिए, अब हम पुराण की बात कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया है कि मौर्योत्तर काल जो था ब्राह्मण काल था, वैदिक का पुनर्जागरण काल था। ठीक, यानी कि वैदिक काल फिर से शुरू होता है। ठीक, सातवाहन वंश, सातवाहन कहा जाता था अभिलेखों में। देखिए अभिलेखों में इसकी सातवाहन कहा जाता था। पुराणों में इसका संस्थापक सीमुक था, बताए थे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सीमुक या सिंधु किसको मारे थे? सुशर्मा को, सुधर्मा को। वो कौन थे? कड़ो वंश के अंतिम शासक को ये मार करके अपनी सत्ता स्थापित किए थे। इस राजा का नाम है सिंधु या सीमुक। ठीक, इस वंश ने कड़ो वंश, देखिए कड़ो वंश के राजा सुशर्मा को या सुधर्मा को मार करके सातवाहन वंश की नींव रखी। ठीक, सातवाहन वंश से संबंधित जानकारी हमें अभिलेखों, बताए अभिलेखों आपको, अभिलेख नागनिका का लेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का लेख, वशिष्ठपुत्र पुलवामी का लेख, नानाघाट का लेख, उसमें मिलता है, तीनों में मिलता है। ठीक, अब आइए आप देखिए, आपको बताए ना जो लेख, अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्यों बता रहे हैं हम लेख, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछता है किस धर्म, किस वंश से संबंधित है, तो ये सातवाहन वंश। देखिए, नागनिका, नागनिका रानी रहती हैं। ठीक, इनका लेख नानाघाट का है, महाराष्ट्र में, पुणे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक का लेख है, ध्यान दीजिएगा। सब लेख हमें, अगर देखिए आप ध्यान लगाइए, कब जानेंगे कि पश्चिमी दक्षिण भारत में रह रहे हैं, तो आप जब लेख आएगा नासिक का लेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का लेख, आप उत्तरी भारत में आप नहीं लगाएंगे, अगर एक चीज जानते रहेंगे तो। ठीक, नागनिका से प्राप्त हुई गुहा लेख, गौतमीपुत्र बलसरी का नासिक लेख, गुहा लेख, वशिष्ठपुत्र पुलवामी, ठीक, वशिष्ठपुत्र पुलवामी का नासिक का लेख, गुहा लेख, वशिष्ठ लेख, पुलवामी का कार्ले लेख, ध्यान दीजिएगा, कार्ले लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्ले लेख किसका है? ये नहीं पूछता है, किस वंश से संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त लेखों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से सातवाहन राजाओं की बहुसंख्यक सिक्के मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब बता चुके हैं इनके सिक्के कैसे हैं, कौन किसके होते थे, शीशे के सिक्के और प्रोटीन के होते थे, जो शीशा वाला सिक्का है, कई बार पूछा हुआ है सिक्का है शीशा वाला, कि इनके सिक्के कैसे थे, तो ध्यान दीजिएगा कि इनके सिक्के शीशे सिक्के थे। ठीक, अब देखिए, सातवाहन विभिन्न स्थानों पर सिक्के मिलते हैं, इसमें राज्य विस्तार, धर्म तथा व्यापार वाणिज्य के संबंध में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है नासिक के जोगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिक के जोगलथम्बी, ठीक है, नामक स्थल छारात शासक नापान को, अब क्या करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, क्या करते हैं, देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या करते हैं, अब छारात वंश के शासक नापान थे, नापान को हरा करके अब उनके सिक्के को अपने नाम से पुनरंकित करवाते हैं, तो वो कौन सा लेख है, वो है जोगलथम्बी नामक स्थल पर लेख है। जोगलथम्बी के लेख का संबंध किससे है? गौतमीपुत्र सातकर्णी और छारात के शासक नापान का है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जोगलथम्बी लेख, इसको हम फिर बताएंगे। ठीक, जब सामाजिक आर्थिक पढ़ाएंगे तो फिर इसको बताएंगे, यहाँ पे समझिए कि हमें पूरा लेख बताना है, पूरे साहित्य बताने हैं। ठीक, जोगलथम्बी, बस ध्यान दीजिए, जोगलथम्बी किससे संबंधित है? सातकर्णी पुत्र
ने क्षारात शासक नापान को हराया था, इसके साक्ष्य में जोगलथम्बी लेख से मिलते हैं। ठीक, अब आइए, अब देखिए यहां पे वही चीजें हैं जो चीज हम बता चुके। नापान पर सातवाहन शासक की विजय की जानकारी मिलती है किससे? जोगलथम्बी लेख से। ध्यान दीजिएगा, जोगलथम्बी लेख से यह माना जाता है कि उनके सिक्कों को पुनः अंकित करवाए। यज्ञश्री सातकड़ी एक सिक्के पर जलपोत, आपसे कहे ना, देखिए आपको शुरू में ही बता दिए जब स्टार्ट किए थे, तो कौन से ऐसे राजा थे? यज्ञश्री सातकड़ी, ध्यान दीजिएगा, यज्ञश्री सातकड़ी थे कि अपने सिक्के पर जलपोत यानी कि दो पतवारों वाला, पतवार मतलब जनयान, दो पतवारों वाला सिक्के जारी करते हैं। ठीक, तो वो जलपोत के सिक्के जारी करने वाले कौन शासक थे? सातवाहन वंश के यज्ञश्री थे। ठीक, इससे पता चलता है कि ये समुद्र के ऊपर इनका अधिकार था। सही बात है, समुद्र के ऊपर इनका अधिकार था क्योंकि समुद्र के तट क्षेत्रों में थे। सातवाहन के सिक्के शीशे के, ठीक, तांबे के अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप लगाइएगा मत पूर्ण रूप से, जो सिक्का है वो समझिए शीशे का और पोटीन का। ठीक, तांबे जिंक शीशा टीन मिश्रित धातु में ढलवाए जाते थे, पोटीन जो था उसमें सब मिला करके बनता था, इस वजह से ध्यान दीजिएगा जो शीशा मुख्य रूप से था वो शीशा का था और पोटीन का था। ठीक, इसमें ढलाए थे, देखिए ध्यान दीजिए यहां से, मुख्यतः विश्व अश्व सिंह वृष गज पर्वत जहाज चक्र स्वास्तिक कमल त्रिरत्न ये सब चार कोई मतलब का नहीं है, कोई भी मतलब का नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस कारण से कोई सी मतलब का नहीं है। विदेश विवरण से सातवाहन वंश के प्रकाश पड़ता है, विदेशी विवरण से, जैसे विदेशी विवरण जो भी है, एरिथ्रियन सी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी अगर पूछ ले किससे संबंधित है तो वे व्यापार से संबंधित है। एक ग्रंथ है जिसके लेखक अज्ञात हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी रचना है जिसके लेखक का हमें पता नहीं चलता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक, लेख के विवरण महत्वपूर्ण सातवाहन के अनेक राजाओं के साथ से वर्णन है, इसमें यह कहा गया है कि इन लोगों का व्यापार वाणिज्य होता था। ठीक, अब आइए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आते हैं जो राजगद्दी पर बैठे, कोई मतलब का नहीं है, कोई भी मतलब का नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है वशिष्ठ पुलवामी के बारे में, आप देखिएगा। ठीक ना, उनके अभिलेख में अमरावती कार्ले नासिक, अब देखिए एक कार्ले की गुफा, कार्ले का लेख, नासिक का लेख, नानाघाट का, नासिक का, अमरावती का लेख मिलते हैं किसके? पुलवामी के। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था जिसको एकमात्र वीर एकमात्र ब्राह्मण कहा जाता था, किसको? सातकर्णी को। ठीक, एकमात्र ब्राह्मण कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, सातवाहन वंश का विघटन की प्रक्रिया, अब देखिए इसकी मृत्यु के बाद, अगर सही बात है, अगर आप मुगल पढ़िए या कोई भी राजवंश पढ़िए तो एक पीरियड तक तो रहता है उनके उत्थान का, फिर उसके बाद समझिए कि पतन का कार्यकाल शुरू हो जाता है, तो जिसको कोई रोक नहीं पाता है, कोई रोकने से भी नहीं रोक पाता है। जैसे मुगल को जहांगीर के बाद देखा जाए विस्तार, विजय विस्तार में, तो समझिए कि जाते जाते औरंगजेब तक समाप्त हो गया विजय विस्तार में, तो समझिए कि औरंगजेब रोक नहीं पाए, कितना भी प्रयास किए नहीं रोक पाए। अब यहाँ पर भी कहीं पर भी इतिहास समझिए कि हमेशा अपने आप को दोहराती है, इसकी मृत्यु के बाद, किसकी? यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन राज का विघटन की प्रक्रिया जारी हुई है, अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गए जो कोई मतलब का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो कोई मतलब का नहीं है। अब जान लीजिए महत्वपूर्ण, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि आपसे बताए थे ना इनके कार्यकाल में कुछ ऐसे राजा थे जो लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, अब उसमें कौन, देखिए ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक, राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। सिक्के कैसे जारी किए गए थे बता चुके हैं। ठीक, और भूमिदान सबसे पहले कौन किए? ये किए। ठीक, और समझिए कि इनकी भाषा क्या थी वो भी बता चुके। ठीक, अभी ध्यान दीजिए, हाल देखिए सातवाहन वंश का राजा था, ध्यान दीजिएगा, हाल जो था सातवाहन वंश का राजा था, जिसकी पुस्तक गाथा सप्तसती पुस्तक की रचना की, सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे बता चुके, सातवाहन की भाषा प्राकृत थी, बताए थे ना सातवाहन की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी, जो अशोक की लिपि थी, ध्यान दीजिएगा, अशोक की जो लिपि थी, जो भारत में जो मिला है, जितने उनके शिलालेख स्तंभ लेख मिले हैं वो तो ब्राह्मी में थे, लेकिन जो पाकिस्तान में मिले हैं
पाकिस्तान में जो मिला है वो खरोष्टी में था, पाकिस्तान में खरोष्टी में था शहबाजगढ़ी और मानसहरा का, और जो कंधार में मिला है वो ग्रीक अरेमेक का था, ठीक, वो द्विभाषी कहा जाता है, सारे कुना लेख वो द्विभाषी लेख कहा जाता था अशोक का। ब्राह्मण देखिए बताए थे आपसे, सातवाहनों ने सबसे पहले भूमिदान देने की परंपरा शुरू किया, भूमिदान अगर क्वेश्चन पूछ दे भूमिदान की प्रक्रिया सबसे पहले सातवाहन ने किया तो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिदान कौन दिए, तो गुप्त दिए थे, ठीक, शुरू तो ये कर दिए। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था, देखिए कहीं बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ नाम जोड़ने की वजह से मातृसत्तात्मक नहीं कह सकते, लेकिन जब यहाँ पे है तो मातृ, क्योंकि देखिए ना सबके आगे जुड़ा है, इस वजह से समाज जो था मातृसत्तात्मक पूर्ण, लेकिन झुकाव था, रिस्पेक्ट था मातृसत्तात्मक के प्रति, ठीक। अजंता और एलोरा गुफाएं सातवाहन काल में बनाई गई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जब बताएंगे अजंता गुफा के, अजंता गुफा बनाई गई, अजंता गुफा में एलोरा गुफा में कौन कौन वंश इसमें शामिल थे, कौन कौन वंश वो करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो भी है, अजंता एलोरा गुफा सातवाहन काल में बनाई गई। अब ध्यान दीजिएगा बैक्ट्रियाई को यमन कहते थे, यमन आक्रमण सबसे पहले शुंगकार काल में होता है, शुंग के आक्रमण करता है, ठीक, और पार्थियन को पहलव कहते थे, शीथियन को शक कहते थे, यूची को कुषाण कहते थे। अब ध्यान दीजिएगा विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसका होता है, ये होता है यमन का, फिर पार्थियो पहलव का, फिर शक का, कुषाण का, ये भी सीक्वेंस पूछता है, ठीक, सीक्वेंस पूछता है, लेकिन ये जो एक क्लास है वो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट दिन क्लास होगी इसकी, अब आज के लिए यहीं पे है, यहीं तक है, मगर है कि आप लोग देखते जाइए कि क्या कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी हम बता देंगे, ठीक ना, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।